जम्मू में सिर्फ 37 सीट थी, 37 सीट थी, अब नए डिलिमिटेशन कमीशन ने 37 से बढ़ाकर 43 सीट जम्मू क्षेत्र में बनाने का काम। माननीय कश्मीर में 46 सीट थी, 46 सीटें थी, अब 46 की जगह 47 सीटें, 47 सीटें बनाने का काम। इस तरह से जम्मू और कश्मीर दोनों को मिलाकर 83 सीटें थी, लद्दाख की सीटें निकाल दी है क्योंकि वहां यूटी बन चुकी, 83 सीटें थी, उसकी जगह 90 सीटें अब डिलिमिटेशन कमीशन ने करी है, जिसको भारत सरकार ने माना। और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटों को आरक्षित रखा गया है, क्योंकि हम अभी भी मानते हैं, कोई जिसको जो बोलना है वो बोले, इस सदन में बोला हुआ शब्द इतिहास बनता है। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, हमारा है, और हमसे कोई नहीं। मान्यवर, हमने 24 सीटें पाक ऑक्यूपाई कश्मीर के लिए सुनिश्चित की है। मान्यवर, अब तक एससी एसटी की सीटों में बड़ी विसंगतताएं भी थी, और जो दिग्विजय की कहते थे संवेदनशील अप्रोच होना चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए, एससी एसटी के प्रति संवेदना से ही यह निर्णय हुआ है। पहले जो 7 सीटें थी एससी की, उसको हमने बरकरार रखा, और एसटी की सीट शून्य थी क्योंकि धारा 370 परमिट नहीं करती थी, अब परमिट करती है, 9 सीटों को रिजर्व कर दिया। अरे जो कह रहे थे हमारे डॉक्टर साहब कि गुर्जर बकरवालों ने इस देश को बचाया है, मैं सदन में इस देश के गृह मंत्री के नाते कहना चाहता हूं, माननीय, कभी भी युद्ध हुआ, कभी भी आतंकवादियों ने पैंतरे रचे, मेरे गुर्जर बकरवाल भाइयों ने भारत के तिरंगे को ऊंचा किया, और आज सालों के बाद आज उनको न्याय मिलने जा रहा है। इसका कम से कम मुझे तो बहुत संतोष है। किसी को संवेदनशीलता दिखे या न दिखे, 75 साल तक उनका अधिकार जो भारत के संविधान ने दिया था, कौन रोक कर बैठा था? क्या कोई जवाब दे सकता है? जम्मू कश्मीर के एसटी भाइयों के अधिकारों को कौन रोक कर, ये 3 परिवार रोक कर बैठे थे मान्यवर, जो 370 को एंजॉय कर। मान्यवर, और इसके अलावे भी ओपन सीट में भी वो लड़ सकते हैं। मान्यवर, दिग्विजय सिंह ने कहा, मान्य सदस्य ने कहा कि भाई इसमें स्पष्टता नहीं है, इनको कितनी मिलेगी। मैं फॉर इंफॉर्मेशन दिग्विजय सिंह को कहना चाहता हूं, ये इन प्रिंसिपल बिल है, ट्राइबल डिपार्टमेंट और ओबीसी डिपार्टमेंट से अलग से इसके बिल आएंगे, जिसमें इसके रिजर्वेशन की सीटों की और चिन्हित करने की व्यवस्था होगी, वो एक अलग प्रक्रिया है, मगर ये स्पष्टता से कर। मैं दिग्विजय सिंह को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं सर, जब भी वो हंसकर बोलते हैं तब बहुत समाज के अंदर डिस्टर्बेंस होता है, बड़ा रिकॉर्ड है उनका, मैं रिकॉर्ड को जानता हूं। आज भी हंसकर बोले, मैंने बोला क्या निहितार्थ है, फिर मैंने ध्यान से उनकी चीज को याद कर सोचा तो मुझे मालूम पड़ा कि इन्होंने कहा कि भाई किसी का छिनकर तो नहीं लगू, ये गुर्जर और बकरवाल को लड़ाना चाहते हैं, मैं आज फिर से कह देता हूं मान्यवर, बैठ जाइए दिग्विजय जी, अब हो गया, लोग समझ चुके हैं आपको, बैठ जाइए। मान्यवर, ही इज नॉट यील्डिंग, गो एंड ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ही इज नॉट यील्डिंग। मान्यवर, मैं स्पष्टता करना चाहता हूं, गुर्जर भाइयों की एक भी सीट लिए बगैर बड़े संवेदनशीलता से बकरवाल भाइयों को दिया गया, हमें कोई आपत्ति, गुर्जरों को जो फायदा मिला है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ट्राइबल के सारे फायदे, एजुकेशन में और बाकी सारे नौकरियों के रिजर्वेशन में जितने भी फायदे गुर्जर भाइयों को मिल रहे हैं, पहाड़ियों को मिल रहे हैं, वो पहाड़ियों को जो भी मिलेगा वो
उसके अलावे मिलेगा। एक भी नौकरी ना खत्म होगी, ना एक भी शिक्षा की सीट खत्म होगी। पूरा का पूरा अधिकार आपका भी रहेगा, उनका भी। माननीय, एक बहुत बड़ी चर्चा चली कि जवाहरलाल नेहरू जी का कश्मीर के लिए कंडक्ट और इस पर हमारा नजरिया थोड़ा तंग है। जहां तक तंग नजरिए का सवाल है साहब, देश की एक भी इंच जमीन का सवाल है, हमारा नजरिया तंग रहेगा, हम दिल बड़ा नहीं कर सकते। किसी को अधिकार नहीं है अपने बड़े हृदय को दिखाने के लिए देश का एक भूभाग देश से चला जाए और मूक दर्शक बनकर खड़े रह जाए, किसी को अधिकार नहीं। मैं आज फिर से कहता हूं, ये आरोप से मैं सहमत हूं, हमारा नजरिया तंग है। देश की एक इंच जमीन भी जाती है तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मोस्ट मतलब सर्वोच्चता से संघर्ष करेगा, लड़ाई करेगा और लड़ेगा। हमें कोई इसमें शर्म की बात। माननीय, मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। बहुत कुछ कहा है, अभी कहा गया नेहरू के कारण कश्मीर यहां है, नेहरू जी के न होते तो शायद ये बिल ही नहीं आता और कश्मीर होता ही नहीं, इस तरह से कहा। मैं आज कहना चाहता हूं कि जो आजादी के बाद भारत की रचना को जानते हैं उनको मालूम होगा हैदराबाद में इससे भी बड़ा प्रॉब्लम हुआ था। क्या जवाहरलाल जी गए थे क्या? तो यहां गवर्नमेंट नहीं, यहां नेहरू। क्या कर रहे हो खड़गे जी, अभी भी वापस आओ। एक मिनट, रिकॉर्ड पर है कश्मीर में दिग्विजय जी ने जवाहर सरदार पटेल का नाम नहीं लिया। एक नाम दिया शेख अब्दुल्ला का, दूसरा नाम दिया जवाहरलाल नेहरू का। तो वो होम मिनिस्टर थे, क्यों नहीं दिया भाई? अब सुनिए दिग्विजय जी, अब सुनिए, सुनना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। हमने सुना है, धैर्य से सुना है। मान्यवर, जूनागढ़ में क्या जवाहरलाल नेहरू गए थे? हैदराबाद में जवाहरलाल नेहरू गए थे? लक्षद्वीप में जवाहरलाल नेहरू गए थे? जोधपुर में जवाहरलाल नेहरू गए थे? जवाहरलाल नेहरू एक ही जगह काम देखते थे, जम्मू कश्मीर में, जिसको आधा छोड़कर आ गए।